हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने सैम्पल वीडियो में देखा, उस तरह की वीडियो एडिटिंग आप लोगों को आज हमने सिखानी है। तो वीडियो बनाने के लिए आगे हम अपने लाइट मोशन में वीडियो बनाने के लिए हम प्लस पर टैप करेंगे, 4 इंच टू 5 पॉइंट रेशियो सेलेक्ट करेंगे, 720p 30 फ्रेम रेट ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे। आगे हम अपने लाइट मोशन के अंदर, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी पिक, तो पिक के लिए हम प्लस पर टैप करेंगे, इमेज एंड वीडियो में चले जाएंगे, व्यू ऑल पर टैप करेंगे और यहाँ से हम पिंस में आ जाएंगे। पिंटरेस्ट पे मैंने ऐप डाउनलोड की थी ये पिक्चर, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ इस तरह से, और प्लस पर टैप करके इसको मैं ऐड कर लेती हूँ। तो ये पहले से ही फिल है, लेकिन फिर भी 3 डॉट पर टैप करके हम इसको फिल स्क्रीन कर लेते हैं, मज़ीद ये एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आ गई है ये हमारी पिक। तो अब हमें चाहिए सॉन्ग, सॉन्ग के लिए हम प्लस पर टैप करेंगे। ऑडियो से भी सॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन जो मुझे सॉन्ग चाहिए वो है वीडियो में स्टेटस है, तो इमेज एंड वीडियो पर टैप करूँगी। व्यू ऑल पर टैप करके मैं उस वीडियो को ऐड कर लूँगी जिसमें वो है स्टेटस, यानी कि सॉन्ग, सॉरी। प्लस पर टैप करके इसको मैं ऐड कर लूँगी और 3 डॉट पर टैप करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट। इस तरह से हमारा सॉन्ग आ गया। अब हम पिक को सिलेक्ट करेंगे और इस एरो पर टैप करके एंड तक ले आएंगे जहाँ तक सॉन्ग है। पिक आ गई है सॉन्ग के एंड तक, तो इस तरह से ये देखें एंड तक आ गई हमारी पिक। तो हम इसको इसके स्टार्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले अब हमने लिखना है लिरिक्स, तो लिरिक्स लिखने के लिए हम प्लस पर टैप करेंगे, टेक्स्ट पर टैप करेंगे और यहाँ से हमने उर्दू सेलेक्ट की हुई है तो इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं। और यहाँ हम लिख लेते हैं जो लिरिक्स है वो है देख के मुझे, 3 लफ्ज़ लिखेंगे हम इसके, देख के यहाँ से मुझे। और यहाँ से हम जो फॉन्ट है वो इसका सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट है इसका फोटो ग्राफ सिग्नेचर, तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, ये फर्स्ट में ही आ गया पी लिखने से ही, तो फोटोग्राफ सिग्नेचर को हम ओके करते हैं और यहाँ से इसका साइज़ जो है वो हम 32 रख लेते हैं, 32 इतना रख लिया। और इसका कलर हम यहाँ से कर लेते हैं वाइट, ओके करेंगे और इसको हम सेंटर में लाइन कर लेंगे और इस ग्रीन डॉट को पकड़कर इस तरह से करने के बाद इसको हम यहाँ नीचे रख लेंगे ऐसे, और यहाँ से हम इसको करेंगे ओके। हमने इसको अपने जो लिरिक्स है उसको ऐड कर लिया और अब हम इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ तक है। तो जो इसकी फर्स्ट लाइन है वो है तकरीबन 2:14 तक, तो हम देख लेते हैं 2:14 कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ है 2:14 यहाँ तक, तो हम इसको यहाँ से इस तरह 2:14 तक कर लेते हैं और इसके स्टार्ट में अब हम आ जाते हैं। और हमने इसको बॉर्डर एंड शेडो में जाकर इसका स्ट्रोक ऑन कर देना है इस तरह से, और इसका जो स्ट्रोक है उसका कलर हम यहाँ से कर लेते हैं रेड। रेड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं क्योंकि ये वाला रेड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर, आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप लोग रख लीजिएगा, कोई मसला नहीं। तो यहाँ से हमने इसका स्ट्रोक कितना रख लिया, स्ट्रोक अब हमने रखना है 2 इस तरह से, 2 तक हम इसको ले आते हैं, इतना ही रखिएगा आप लोग भी। तो 2 तक हम इसको ले आए हैं और उसके बाद हमने अब इसको कर लेना है बैक। तो ये इस तरह से वाइट और मरून कलर आ रहा है, अगर हम चाहें तो इसको जस्ट यही कलर अगर देना चाहें तो हम इसको यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और बैक करके कलर एंड फिल में जाके इस पर टैप करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से बॉर्डर एंड शेडो में जाके इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 4:5 कर लेंगे या 3:5 इस तरह से बैक करेंगे। और अब हमने इसको देना है इफ़ेक्ट, तो उसके लिए इफ़ेक्ट्स पर टैप करेंगे, ऐड इफ़ेक्ट पर टैप करेंगे
और यहाँ से हम इफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर एंड लाइट में जाएंगे। कलर एंड लाइट में जाकर हम ह्यू शिफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ये है ह्यू शिफ्ट, तो स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करके इसको ऐड कर लेंगे और स्टार्ट में एक की लगाएंगे और इसको ज़ीरो रहने देंगे, और टेक्स्ट के एंड में आएंगे एक और की लगाकर इसको हम बढ़ा लेंगे। तकरीबन तकरीबन इसको हम 250 तक ले जाएंगे। तो इस तरह से आगे है, अभी तो इतना हमने इसको कर लिया, 250 हो गया। अब हम इसके स्टार्ट में आ जाते हैं और इसको यहाँ से करते हैं बैक। और अब हमने इसको सेकंड इफेक्ट देना है, उसके लिए दोबारा से इफेक्ट्स पर टैप करेंगे, ऐड इफेक्ट्स पर टैप करेंगे, डिस्टॉर्शन एंड वार्प में आ जाएंगे। और यहाँ से मेन जो हमारा इफेक्ट है वो है फ्रैक्टल, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रैक्टल वाप को। और यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पर नहीं टैप करना, हीट वेव पर टैप करना है। हीट वेव पर टैप करके हम इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ थ्री डॉट पर टैप करेंगे। थ्री डॉट पर टैप करने के बाद हमने अब इसको एडिट कर लेना है। तो इसकी जो डिटेल है उसमें हम आ जाते हैं नीचे, सॉरी फ्रैक्टल वाप को हमने सेलेक्ट करना था, इफेक्ट्स, और यहाँ से फ्रैक्टल वाप ऐसे ठीक हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं, इसकी डिटेल को सेलेक्ट करते हैं और इसको कर लेते हैं हम 4.0 इस तरह से। और नीचे आ जाएंगे हम, इसमें ये है लैक्यूनेरिटी, तो हम इसको कर लेते हैं 0.25 इस तरह से। और जो ये ऑक्टा वेव्स है नीचे, इसको हम कर लेते हैं 1, यहाँ से पकड़ कर यहाँ 1 कर लेंगे। अब बैक करेंगे और यहाँ हम इसको थर्ड इफेक्ट देंगे, इफेक्ट्स में चले जाएंगे, ऐड इफेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ से ड्राइंग एंड एज में आ जाएंगे। और यहाँ से हम ड्राइंग प्रोग्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करेंगे और थ्री डॉट पर टैप करें करके एंड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, की लगाएंगे फर्स्ट और इसको कर लेंगे हम 0। फर्स्ट की इसकी हमने 0 रहने देनी है और फिर इसके एंड में आ जाएंगे ऐसे, यहाँ है इसका एंड, तो इसको हम प्लस कर लेंगे और इसको हम 100 कर लेंगे इस तरह से इधर करके। हमने इसको कर लिया है 100। तो ये इस तरह से हमारी बनी है वीडियो, ये देखें। तो ये जो इसका स्ट्रोक है, इसको हम ने मतलब ऑन कर दिया था, तो इसका हम शेडो भी ऑन कर देते हैं। शेडो में जाकर इसका शेडो ब्लैक ही रहने देते हैं और कलर एंड फिल में ट्रांसपेरेंट हमने कंप्लीट नहीं किया था, कंप्लीट इसको नीचे तक इस डॉट को, ये देखें ये वाला डॉट है, ये देखें इस तरह से ऊपर करेंगे तो उसमें वो वाइट सा आने लग जाएगा, तो वो हमने फुल नीचे तक नहीं किया था, तो इसलिए वो बीच में थोड़ा सा हल्का वाइट कलर आ रहा था। तो इसको हम इस तरह से फुल ट्रांसपेरेंट कर देंगे, तो ये इस तरह से हमारा आ गया। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ, सेकेंड लाइन लिख लेते हैं, प्लस पर टैप करते हैं, टेक्स्ट पर टैप करते हैं और हम लिख लेते हैं क्यों तुम देखते नहीं, क्यों तुम क्या आ गया, देखते नहीं। और यहाँ से इसका फॉन्ट, फोटोग्राफ सिग्नेचर और इसका साइज यहाँ से सेम वही 32 और सेम कलर इसका वाइट, पहले वाइट कर लेंगे यहाँ से ऐसे, ओके करेंगे और इसको यहाँ से पकड़ कर ऐसे नीचे ले आएंगे और इसको सेंटर में अलाइन कर लेंगे और इसको इस तरह से ओके कर देंगे। और दूसरी लाइन इसकी है 5-10 तक, तो हम इसको 5-10 तक कर लेते हैं यहाँ, और इसको भी कलर एंड फिल में जाकर ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। इस डॉट को हमने फुल नीचे तक करना था,
जो कि वहाँ पर हमने पहले मिस्टेक कर दी थी इस तरह से। और बॉर्डर एंड शेडो में जाकर इसका भी ऑन कर देंगे स्ट्रोक, और इसका कलर हम चाहे तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, तो इसका ये वाला हम कलर कर लेंगे, मुझे ये अच्छा लग रहा है। सेकंड लाइन में हम इसका चेंज कर देते हैं और स्ट्रोक इसका हम 3.5 रख लेते हैं इस तरह से, और शेडो इसका भी हम ऑन कर देते हैं, और इसका शेडो का कलर हम यहाँ से वाइट कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा या हम इसका ग्रे कलर कर लेते हैं, वाइट जो है वो ज़रा ज़्यादा लग रहा है इस तरह से। तो इसको भी हमने लिख लिया। अब हमने करना क्या है, सेकंड लाइन को इफेक्ट देने के लिए हम फर्स्ट लाइन में आ जाएंगे, फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स पर टैप करेंगे, यहाँ थ्री डॉट पर टैप करेंगे, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे जस्ट, और सेकंड में आकर यहाँ इफेक्ट्स पर टैप करके थ्री डॉट पर टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है ये, देखें इस तरह से। और हम इसको प्ले करके आपको दिखा देते हैं। तो सॉन्ग को हम यहाँ से पहले, पता है आप लोगों को, म्यूट कर लेते हैं क्योंकि कॉपीराइट इशू हो सकती है। तो देखें यहाँ हम आपको प्ले करके दिखाते हैं इस तरह से बनी है आज की हमारी वीडियो। तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।